तो दोस्तों मेरे गोलगप्पे बनके तैयार है और मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और ये देखिए परात भर के आप इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल भी खराब नहीं बनेंगे। और आवाज़ देखिए दोस्तों, आवाज़ देखिए आप कितनी अच्छी बनी है। और एक कटोरी सूजी और आधा कटोरी आटे से आप इस तरीके से गोलगप्पे बना सकते हो घर में आसानी से। होली आ रही है, आप गेस्ट को खिलाइए। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए आप ये ठंडा होने देते हैं और मैं बर्तन साफ करके अपना आपको गोलगप्पे का पानी और चटनी मैंने बना ली थी वो दिखाती हूँ सर्व करके। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जैन सुधा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अब थोड़ा आराम है मुझे, तो मैं वीडियो डाल रही हूँ, दो तीन दिन हो गए डालते हुए। तो आज बनाएंगे हम गोलगप्पे। गोलगप्पे तो सभी को पसंद आते हैं और होली भी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ गोलगप्पों की रेसिपी शेयर की जाए। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल सीरियड फूड बनाऊंगी जिस तरीके से दुकान वाले बनाते हैं। तो चलिए कैसे बनाती हूँ मैं गोलगप्पे। चटनी तो मैंने बना ही ली है सुबह मॉर्निंग में। अगर आपको मेरी चटनी की रेसिपी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं जैन सुधा ब्लॉग के नाम से। तो चलिए आसानी से बनते हैं गोलगप्पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एक कटोरी आधी हाफ आटा ले लिया, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे आटा ही ले लिया है। और सूजी ले लेंगे, एक कटोरी सूजी लेनी है हमें। अगर हम एक कटोरी सूजी ले रहे हैं तो हाफ हम लेंगे आटा, मैदा भी ले सकते हैं। तो अब इसको मिला लेंगे हम, तो एक पिंच डाल देंगे इसमें हम खाने का मीठा सोडा। और बिल्कुल कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले हम सारों को मिला लेंगे इस तरीके से, सोडा वगैरह जो भी है हमारा। और इसमें कोई भी ऑयल वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा थोड़ा। तो हमारा सूजी और आटे गुन गया है जो हमने आटा मिलाया है इसमें। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ना ज़्यादा हार्ड गूंदना है ना ज़्यादा पतला गूंदना है, तो इस तरीके से गूंदना है हमें। अब 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, कैसे गूंदेंगे इसको इस तरीके से। अब इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे, फिर से गूंदेंगे इसको। तो अब हमारा आटा बिल्कुल सही हो गया, तो अब हमें क्या करना है, इस वाले बाउल में ही 2 आलू लेने हैं और अवन में उबाल लेना है गोलगप्पों के लिए। आप चने मैंने आज उबाल लेने हैं क्योंकि इंस्टेंट गोलगप्पे बना रही हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं गोलगप्पों में भरने के लिए। तो मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अवन में उबाल लूँगी। तो आटा हमारा परफेक्ट हो गया है। अब क्या करना है हमें, ऐसे हमें छोटी छोटी लोई लेनी है, जितने बड़े छोटे आपको बनाने हैं आप गोलगप्पे साइज बना सकते हो इस तरीके से। एक दो बना के दिखा देती हूँ आपको, ऐसे बनाने हैं, ऐसे छोटा कर सकते हो आप। तो सारे बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ऐसे गोल बना लेंगे, छोटे ज़्यादा बड़े अपने पसंद के अनुसार कर सकते हो। तो मैं गोल बनाऊंगी इस तरीके से, तो ऐसे बनाएंगे, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो ऐसे बनाने हमें, ऐसे बेलने हमें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ लंबे बना लिए हैं इस आकार में, तो अब मैं ये डाल के दिखाती हूँ आपको कढ़ाई में। तो एक एक करके डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। ये देखिए एकदम बढ़ गया ना परफेक्ट गोलगप्पे। और अलग पलट लेंगे, ऐसे बनाने हमें। रोज रोज मार्केट से तो अच्छा है कि आप घर में ही गोलगप्पे बनाएं और बच्चों को खिलाएं। और बाजार में तो 20 रुपए के 6 गोलगप्पे मिलते हैं और आप 10 रुपए की सूजी में 100 गोलगप्पे घर में ही बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे फूल गए हमारे गोलगप्पे, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सारा सेटअप लगा लिया मैंने और आवाज़ देखिए, देखिए दोस्तों आ जाइए आप भी गोलगप्पे खा लीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं।